तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडियन क्रिकेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईपीएल सेकंड फेज का जो दूसरा मैच है वह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्होंने विराट कोहली का विकेट मात्र 5 रन पे ही गंवा दिया। और इसके बाद लगातार आरसीबी की विकेटें गिरती रही, जिसमें मैक्सवेल भी कुछ नहीं कर सके और एबी डिविलियर्स तो अपना खाता भी नहीं खोल सके और 0 रन पर आउट हो गए। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर की टीम में वरुण चक्रवर्ती ने आरसीबी की पूरी कमर ही तोड़ दी। उन्होंने अपने 4 ओवर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट झटके। और वहीं केकेआर की टीम से ओपनिंग करने उतरे शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने बहुत ही तूफानी पारी खेली। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने 48 रनों की धमाकेदार पारी खेली और वहीं वेंकटेश अय्यर ने अलग अलग शॉट लगाकर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए 41 रनों की पारी खेली, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर ये मैच आसानी से जीत गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।